आज की वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे. सो व्हाट इज इरेशनल नंबर्स? अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज इरेशनल. मतलब कि रैशनल नंबर्स का पूरी तरह उल्टा. रैशनल नंबर्स का एग्जांपल्स कैसे था? 1/2. तो यहाँ पे 1/2 जैसा केस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. रेशियो को हम लोग डिवाइड करके भी बता सकते हैं. 1/2 को हम लोग 1:2 भी लिख सकते हैं. इसलिए यहाँ पे कहा गया है रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स. तो पूरी तरह उल्टा है रैशनल नंबर का. अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं. 1/3 इन डेसिमल फॉर्म. एक तिहाई को डेसिमल फॉर्म में अगर लिखने जाए तो वो 0.3333. द थ्रीज गोज ऑन फॉर एवर. हमेशा के लिए थ्री चलता ही रहेगा. कभी भी इसका एक डेफिनाइट वैल्यू नहीं आ पाएगा. जितना भी इसको हम लोग डिवाइड करते जाए उतना ही थ्री आते ही जाएगा. तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे. और कुछ एग्जांपल्स है. √2, √3, √5, √11, √21 एंड पाई, जिसका वैल्यू होता है 22/7. और 22/7 जो है 3.14 के बराबर होता है. ये सब ऐसे नंबर्स हैं जिसको हम लोग खुद से हाथ से या दिमाग से कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया जाता है. तो वहाँ पे भी इसमें एक पूरा राउंड नंबर नहीं आता है. ऐसा नंबर आता है जो कि चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है. उसी तरह पाई में भी होता है, लेकिन हम लोग एक सुविधा के लिए डेफिनाइट वैल्यू ले लिए हैं 3.14. देख लो, अगर 22/7 को डिवाइड करते चले तो वो कभी भी अंत नहीं होगा, डिवीज़न होता ही रहेगा उसका. तो ये सब नंबर ही हो गया इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स. इंपॉर्टेंट नोट्स. एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी फुल्ली रिटन डाउन इन डेसिमल फॉर्म. इट वुड हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. अब डेसिमल पॉइंट मतलब हम लोगों को पता ही है. जैसे कि 0.3333 में ये जो पॉइंट हम बोले हैं यही हो गया डेसिमल पॉइंट. इसलिए कहा गया कि एक इरेशनल नंबर को हम लोग कभी भी उसका पूरा फॉर्म जो एक्चुअल फॉर्म है उसमें नहीं लिख सकते हैं. अगर लिखने गए तो नंबर्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होता है. मतलब इतना सारा डिजिट जो अनंत तक जाता हो. इनफाइनाइट मतलब अनंत. डेसिमल पॉइंट बैठा देंगे उसके बाद ही इनफाइनाइट नंबर तक चला जाएगा डिजिट. जैसे कि 0.3333 है ना, उसमें जो और भी थ्री होगा. मैथमेटिक्स में सुविधा के लिए सिर्फ 3 या 4 डिजिट ले लिया जाता है डेसिमल पॉइंट के बाद. नंबर 2, 1 वेल नोन इरेशनल नंबर इज पाई. इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ नंबर जो हम लोग भूल जाते हैं. तो पाई इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर. पाई सबसे अच्छा एग्जांपल है इरेशनल नंबर का. नंबर 3, एन इरेशनल नंबर कैन बी रिटन एज अ डेसिमल बट नॉट एज अ फ्रैक्शन. रैशनल नंबर्स मतलब तो होता है फ्रैक्शन, ये हम लोग जाने थे. लेकिन इरेशनल नंबर्स को स्टार्टिंग में जैसे कि डेफिनेशन बताया गया था कि रेशियो में नहीं लिख सकते हैं, तो यानी कि फ्रैक्शन में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं लिखा जा सकता है, उसको सिर्फ डेसिमल में ही एक्सप्रेस किया जाएगा. इस चार्ट में मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस बताया है. रैशनल नंबर में √16/9 है और इरेशनल नंबर में √2/5 है. अगर हम लोग 16/9 को सॉल्व करें तो वहाँ से रूट पूरी तरह से हट जाएगा. आंसर हो जाएगा 4/3. √16/9 इक्वल्स टू 4/3. और अगर हम लोग √2/5 को सॉल्व करने जाए तो उसका सॉल्व कभी होगा ही नहीं. उसका आंसर कुछ 0.30300 इस टाइप का आएगा, जो पूरा अनंत तक चलता ही रहेगा. और फिर रैशनल नंबर में 0.21 यानी कि डेसिमल वाला नंबर है. इरेशनल नंबर में भी डेसिमल वाला नंबर है, बट इरेशनल नंबर में रूट के अंदर है. और इसको अगर सॉल्व करने जाए ऐसा वैल्यू आएगा जो अनंत तक जाता हो. उसका सॉल्यूशन पूरी तरह से कभी मिल ही नहीं पाएगा. होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा. वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो उसको आप कमेंट में डाल सकते हैं और उन कमेंट्स का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी. तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें. सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.